अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन फूड सीक्रेट। यहाँ हम बना रहे हैं चिकन स्टू, जिसके लिए मैंने लिया है चिकन। ये मेरा तकरीबन 750 ग्राम चिकन है, जिसे मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने का तरीका ये है कि आप पहले 1 से 1.5 घंटे के लिए उसे पानी में डाल दें, ताकि उसका जो सारा खून है पानी में निकल जाए, उसके बाद अच्छी तरीके से वॉश कर लें। तो चलिए हम अभी से कर लेते हैं कुक। कुक करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली, इसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी भी ऑयल में बना सकते हैं। तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर थोड़ा सा ठंडा करेंगे, ताकि जो उसकी स्मेल है वो निकल जाए। तेल गर्म ठंडा हो गया है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, जिन्हें मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। ये मैं तेल में डाल दूंगी। हम यहाँ पर प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ सिर्फ कलर चेंज होने तक हमें प्याज को भूनना है। देखिए इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो गया है, बस यहीं पर हम इस प्याज को निकाल लेना है। आपको गैस को ऑफ कर देना है और प्याज को निकाल लेना है। देखिए मैंने सारी प्याज निकाल ली है, मैंने फिर से गैस ऑन कर दिया है और अब मैं डाल दूंगी इस तेल में हरी मिर्ची। ये मोटी वाली हरी मिर्च मैं ले रही हूँ, ये बिल्कुल तीखी नहीं होती है, इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 हरी मिर्ची ली हैं, जिन्हें बड़े बड़े स्लाइस में कट कर लिया है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। हरी मिर्च भी हम तकरीबन 1 मिनट के लिए बस फ्राई करेंगे, अब हम इसमें से निकाल लेंगे। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लाल साबुत मिर्चें, जिन्हें मैंने 1 में से 2 पीस में कट किया है। ये भी 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, हल्का सा तेल में फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे खड़े मसाले, जिसमें मैं ले रही हूँ 4 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची से मैंने खोल के लिया है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 लौंग हैं और थोड़ा सा है ज़ीरा। ये चीज़ें हम इसके अंदर डाल देंगे और तेल में मसालों को चटकने देंगे। इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें फिर से हरी मिर्चें, ये तकरीबन 9 हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने बड़े बड़े साइज़ में कट किया है। ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और डालने के बाद हम इन्हें फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, इन्हें भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया था। 2 प्याज हमने स्टार्टिंग में डाली थी, जिन्हें हमने फ्राई करके निकाल लिया है, और 2 प्याज हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। अभी इस प्याज को डालने के बाद हम तेल में अच्छे से इसे मिला लेंगे। और इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें टमाटर, ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के, ये जो है हम इसके अंदर डाल देंगे। टमाटर और प्याज को अच्छे से मिलाने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी लहसुन की कलियाँ, ये तकरीबन 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हैं, जिन्हें मैंने छोटे छोटे साइज़ में कट कर लिया है। और ये है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, इसे भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है लंबे लंबे स्लाइस में काट कर। तो आपको जो है यहाँ पर लहसुन और अदरक को डालने के बाद अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा डाल देंगे हम इसके अंदर टर्मिक यानी हल्दी पाउडर, और 1 टेबल स्पून के करीब डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है, मैं लिड को कवर कर दूंगी और इसे जो है सॉफ्ट होने के लिए रख दूंगी। ये टमाटर के पानी में ही सॉफ्ट हो जाएंगे, आप बीच बीच में चेक करते रहें, अगर ज़रूरत पड़े तो पानी का यूज़ करें, थोड़ा बहुत पानी डाल दें। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट जो है आपका जो ये प्याज टमाटर है वो हो जाने चाहिए। देखिए पूरी तरीके से गल गए, आप इस तरीके से इन्हें चला कर मैश करते रहें और चलाते रहें, ताकि ये थोड़े से घुट जाए। अब इसके अंदर ऐड कर दें अपना चिकन। यहाँ पर मैं जो है सारा चिकन यहीं पर ऐड कर दूँगी। चिकन डालने के बाद आपको अच्छी तरीके से इसे मिला लेना है। यहाँ देखिए मैं मिलाने के बाद अब डाल दूंगी इसमें दही। ये मैंने 150 ग्राम तकरीबन दही ली है, जो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। दही डालने के बाद आपको इसे अच्छे से मिला लेना है दही में, ताकि जो अब दही जो है वो पानी छोड़ेगी तो हम जो चिकन है वो दही के पानी में ही गल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसे लिड को कवर कर दूंगी और चिकन को गलने तक इसे इसी तरीके से छोड़ दूंगी। तकरीबन 15 मिनट के अंदर गल जाएगा। बीच बीच में आपको चेक करते रहना है कि आपका चिकन जो है लग तो नहीं रहा है। यहाँ देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, मैं लिड को हटा रही हूँ, आप देख सकते हैं अभी भी दही ने काफ़ी पानी छोड़ दिया, अभी भी इसमें काफ़ी पानी है। हमने यहाँ पे बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं किया है, फिर भी आप देख सकते हैं इसमें कितना पानी है। यहाँ देखिए मेरा जो चिकन है वो गल चुका है, अब मैं इसकी कर लूँगी भुनाई, ताकि जितना भी पानी है खुशक हो जाए और ऑयल इसमें से अलग होना शुरू हो जाए। यहाँ देखिए ये भुन गया है, और तो मैं जो प्याज और हरी मिर्च हमने स्टार्टिंग में निकाल के रखी थी वो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब डालने के बाद हम अच्छे से इसे चला लेंगे। आपको जो है प्याज को अच्छे से मिला देना है, ताकि जो पूरे ग्रेवी में अच्छे से मिल जाए। यहाँ देखिए लगातार चलाते हुए फिर से 1 से 2 मिनट हमने इसकी भुनाई कर ली है, और जो है ऑयल आना शुरू हो गया। अब यहाँ डाल रही हूँ मैं ये मलाई, आप क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर घर की मलाई भी डाल सकते हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से फिटी होनी चाहिए, ताकि वो क्रीमी शेप में हो जाए। डालने के बाद यहाँ पर 3 से 4 चम्मच मैंने मलाई डाल दी है, फिर से हम मिला लेंगे और 1 मिनट इसकी भुनाई कर लेंगे। अब भुनाई हो गई है तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ पानी। यहाँ पर मैं तकरीबन आधी कटोरी पानी डाल रही हूँ। पानी जो है आपको कम ही डालना है, क्योंकि स्टू की जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी टाइट ही होती है, ज़्यादा लूज़ नहीं होती है, तो इसलिए हम जो है इसके अंदर आधी कटोरी के करीब ही पानी डालेंगे। बस इतना पानी डालने के बाद हम 5 मिनट के लिए इसे दम पे लगा देंगे।
यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मैंने गैस को बंद कर दिया। हम 5 मिनट बाद इसे खोलेंगे ताकि इसमें तार आ जाए। यहाँ देखिए इसमें तार रोगन आ गया है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम थोड़ी देर रख देंगे, फिर इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ देखिए अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है गोश्त हमारा कितना बढ़िया चिकन स्टू पककर तैयार हुआ है। इसका लुक भी आप देख सकते हैं कितना ही शानदार आया है। तो इस तरीके से अगर आप चिकन स्टू बनाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनता है और आपके मेहमानों घर वालों को भी बेहद ही पसंद आएगा। तो इस तरीके से स्टू बनाइए और अपने परिवार और मेहमानों को खुश कर दीजिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। बाय।